स्टरडे so हम लोगों ने पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस देखा था राइट वी स्टडीड अकाउंटिंग प्रोसेस हेलो इस अकाउंटिंग प्रोसेस में मैंने आपको बताया था हाउ वी कैलकुलेट प्रॉफिट एंड हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट उसका पूरा प्रोसेस होता है पहले हम लोग ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे एक्सचेंज ऑफ गुड सर्विसेज रिसोर्सेज एंड मॉनिट्री टर्म्स में वो मेजरेबल है राइट इट कैन बी कैश ट्रांजेक्शन इट कैन बी क्रेडिट ट्रांजेक्शन उससे फर्क नहीं पड़ता मॉनिटरी टर्म्स में मेजरेबल होना चाहिए सेटलमेंट हुआ हो नहीं हुआ हो वी विल रिकॉर्ड इट अगर सेटलमेंट नहीं हुआ है तो हम लोग मियर एक्नोलेजमेंट ऑफ डेप्ट डेटर क्रेडिटर क्रिएट कर लेंगे केस ऑफ परचेज हम लोग क्रेडिटर क्रिएट करेंगे इन केस ऑफ सेल हम लोग डेटर क्रिएट करेंगे राइट right? तो ये हमने आपको बताया ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग उसको जनरल में रिकॉर्ड करते हैं मतलब फिजिकल फॉर्म में होते हैं सारे ट्रांजेक्शन हम लोग अकाउंटिंग वाउचर जनल में कन्वर्ट करते हैं फिर जितना भी आइटम्स है सबका अलग अलग पेज में हिसाब रखा जाता है प्लस माइनस का तो जितने भी एक्सपेंस होते हैं इनकम होते हैं उनका टोटल फॉर द ईयर आता है एंड एसेट लाइबिलिटी का नेट बैलेंस आएगा फिर हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे टू चेक अरिथमेटिकल अक्योरेसी एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन है कि नहीं एरर ऑफ कमीशन है कि नहीं अगर ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है मतलब ये एरर्स नहीं है लेकिन इवन इफ ट्रायल बैलेंस मैचेस इवन इफ यू डू अकाउंटिंग इन कंप्यूटर फॉलोइंग टू एरर्स विल स्टिल बी देयर क्लासीफिकेशन एरर एंड नंबर टू एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन ठीक है ये दो एरर भले ही आप किसी में भी अकाउंटिंग करिए ये दो एरर्स होंगे ही होंगे इनको आप अकाउंटिंग से अलग नहीं कर सकते सो वेन यू क्लासीफाई एन आइटम यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अंडर विच आइटम यू आर पुटिंग इट क्लियर उसके बाद हम लोग इवेंट्स फाइंड आउट करते हैं इवेंट्स मतलब रिकॉर्डेड आइटम्स और अनरिकॉर्डेड unrecorded why these are unrecorded because बिकॉज वी कम टू नो एट end एंड ऑफ द these are also known as एडजस्टमेंट एंट्रीज तो ये पहले किसी ना किसी के साथ एडजस्ट होता है उसके बाद इसको रिकॉर्ड करते हैं जैसे क्लोजिंग स्टॉक परचेज से बचा हुआ है तो पहले परचेज एडजस्ट करेंगे उसके बाद उसको बैलेंस शीट एसेट में दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग पहले एक्सपेंस को बढ़ाएंगे बेनिफिट डिराइव किया ना एक्सपेंस बढ़ेगा बट यू हैवन पेड फॉर इट तब हम लोग उसको लाइबिलिटी दिखाएंगे डेप्रिशिए मीन बेनिफिट डिराइव पोर्शन ऑफ द एसेट तो पहले उसको एसेट से लेस करेंगे तो रिमेनिंग अनएक्सपायर्ड बेनिफिट आ जाएगा जो एक्सपायर्ड पोर्शन है उसको अपन पीएल में दिखाएंगे पीएल में हमेशा याद रखना किसी भी सर्विस का एक्सपायर्ड पार्ट आता है मतलब जो बेनिफिट अपन डिराइव कर चुके हैं जो बेनिफिट डिराइव नहीं किया फ्यूचर में करेंगे उसको हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं एज एसेट क्लियर एडजस्टमेंट एंट्रीज भी मैंने आपको तीन चार बताया और भी हम लोग करेंगे जब वेन वी स्पेसिफिकली गेट इन टू एडजस्टमेंट एंट्री का चैप्टर अभी तक मैंने आपको टोटल में चार प्रिंसिपल ऑफिशियली करवाया है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट सेपरेट एंटिटी एंड ड्यूअल एस्पेक्ट से ही हमने ये प्रोसेस को डेवलप किया रूल्स फॉर अकाउंटिंग आज हम लोग पांचवा अकाउंटिंग प्रिंसिपल देखेंगे विच इज मैचिंग प्रिंसिपल ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है परचेस को सेल्स के साथ मैच करना तभी तो अपन क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं ना आज अगर मैचिंग नहीं करना रहता तो क्लोजिंग स्टॉक हम लोग नहीं भी दिखाते इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स मैचिंग नहीं होता है लेफ्ट ओवर स्टॉक इज नॉट कैरिड फॉरवर्ड तो बेसिकली हम लोगों को एक्सपेंसेस आर टू बी मैच विथ करस्पॉन्डिंग रेवेन्यू अगर मैं एक्सपेंसेस की बात करूं राइट right? ये मैं आपको बताऊंगा अगर मैं एक्सपेंसेस की बात करूं तो एक्सपेंसेस जनरली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं और कुछ कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं मैं आज एक तीर से दो निशाना साधने वाला हूं मतलब मैं पढ़ाऊंगा मैचिंग लेकिन आपको मैं दोनों प्रिंसिपल कवर कराऊंगा यह अलग से हमारा चैप्टर है एक्सपेंडिचर का जहां पे आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर में बाइफरकेशन समझता है बोला जाता है आपने जो भी खर्चा किया है वॉट एवर अमाउंट यू हैव स्पेंडेड वो दो तरह के होते हैं कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो आप चार पांच साल में एक बार खर्चा करते हैं जैसे आप कोई फिक्स्ड एसेट खरीदे हो उसी को हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं इन शॉर्ट ऐसी खर्चा जो आप रेगुलर करते हैं राइट right? जैसे गुड्स खरीदना सैलरी पेमेंट करना ट्रांसपोर्ट चार्जेस इलेक्ट्रिसिटी एवरी मंथ एवरी फ्रीक्वेंटली यू पे इस टाइप का खर्चा को अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं तो अगर हेलो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं सर जिसका बेनिफिट विल बी डिराइव इन एन अकाउंटिंग पीरियड विच विल हेल्प टू अर्न रेवेन्यू इन करंट अकाउंटिंग पीरियड मतलब इस खर्चे से आप खाली इसी साल कमा सकते हैं जैसे एजेंट को हम लोग कमीशन देते हैं क्या हम लोग कमीशन हर साल एक बार कमीशन दे दिया तो क्या हर साल वो तुम्हारे लिए माल बेचेगा नहीं अगले साल बेचेगा तो उसको फिर से कमीशन देना पड़ेगा या वो हमारे डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेसिकली वो होते हैं राइट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेसिकली वो होते हैं जिनका बेनिफिट मेरे को एक ही साल तक मिलेगा मतलब अगर अभी देंगे तो अभी बेनिफिट बाद में अगर बेनिफिट लेना तो फिर से पेमेंट करना पड़ेगा मतलब बेसिकली इनका फ्रीक्वेंसी ऑफ पेमेंट बार बार है या ऐसा खर्चा विच विल हेल्प अस टू अर्न रेवेन्यू ओनली इन करेंट अकाउंटिंग पीरियड या जो हमारे डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड है कैपिटल एक्सपेंडिचर आप किसको बोलते हैं बेनिफिट विल बी डिराइव फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड एक साल से ज्यादा जब आप बेनिफिट डिराइव करेंगे उसको अपन कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे इज दैट फाइन तो सर इन खर्चों को रेवेन्यू मतलब इनकम रेवेन्यू रिलेटेड एक्सपेंसेस इसीलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कई सालों का रेवेन्यू रिलेटेड एक्सपेंस कई सालों का इसीलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कई सालों का मतलब इससे आप कई साल रेवेन्यू कमाएंगे मैं उबर चलाऊंगा मेरा मन कर रहा है डिजायर खरीदा मैंने व्हाइट कलर का येलो प्लेट के साथ एक ही साल कमाऊंगा उससे मैं हर रोज कमाऊंगा कई साल तक कमाऊंगा लेकिन तेल डेली भरना होगा तो मैं अगर रेंट अ कैब ऑपरेटर हूं मेरे को टैक्सी चलाने का मन है तो मेरे लिए गाड़ी मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया उस गाड़ी का मेंटेनेंस उसका पेट्रोल मेरे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया तो बेसिकली एक्सपेंसेस को हम लोगों को इनकम के साथ मैच करके दिखाना है तो पहले समझे तो सही एक्सपेंस कितने टाइप का होता है कुछ कुछ खर्चा होता है जिससे आप इसी साल कमा पाइएगा और कभी नहीं कमा पाइएगा एक बार बुलाना किसी को श्रद्धा दीदी को बोला बीच बीच में बीप-बीप आवाज क्यों होता है होता है क्या वो टूंग टूंग ऐसा करके लगता है क्या? मेल आया क्या अभी पटवारी एक्चुएटर्स में देखो तो एक बार। तो 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 रिकॉर्डिंग ऑन है ना अभी देख लो एक बार हाँ। ठीक है समझ आया तो हम लोगों को ये जो हमने खर्चा किया तो हम कई तरह का खर्चा करते हैं डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड होता है कई सालों में एक बार करते हैं खाली करेंट ईयर इनकम कमाने में मदद करेगा कुछ भी हो खर्चा किया आपने अब उसकी मैचिंग भी जरूरत है जैसे अगर मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करूं तो सबको समझ में आ गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है अच्छा अगर मैं आपको बताऊं ये वाला पीएल में जाएगा क्योंकि ये इसी साल आपको इनकम कमाने में मदद कर रहा है बेनिफिट इज डिराइव और ये वाला बैलेंस शीट में जाएगा जो अनएक्सपायर्ड पार्ट है इसका भी एक पोर्शन पीएल में आएगा डेप्रिशिएशन जिसको अपन बोल रहे हैं तो कहने का मतलब अगर मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करूं तो कुछ कुछ सेल से रिलेटेड होता है जैसे परचेस कमीशन रिलेटेड टू सेल्स है ये कुछ कुछ फिक्स्ड होते हैं, जैसे रेंट सैलरीज, तो ये रिलेटेड टू सेल्स है तो इनकी मैचिंग मैचिंग विथ सेल्स वॉल्यूम के साथ होगा ये रिलेटेड टू टाइम होता है हर महीना देना है बीस बच्चे पढ़ाऊं पचास पढ़ाऊं साठ पढ़ाऊं इस रूम का भाड़ा उतना ही लगना है अगर रिलेटेड टू टाइम है क्या है रिलेटेड टू टाइम अगर है तो इनकी मैचिंग होगी विथ अकाउंटिंग पीरियड जैसे मैंने रेंट का मैचिंग किया ना कल 11 महीने का भाड़ा दिया था उसको 12 महीने का दिखाया लेकिन परचेस का मैचिंग सेल्स वॉल्यूम के साथ किया था तो जब ये मैच हो जाएगा तो अपन इसको बोलेंगे परचेज एडजस्टेड या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड विच इज परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक एकदम सिंपल है विच इज परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक है ना कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर बात करूं सर आज ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है लेकिन कभी ना कभी इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बनना ही पड़ेगा टुडे ये आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है बट आज नहीं तो कल इसको हर इंसान को इस मिट्टी में एक ना एक दिन मिलना ही है वैसे हर एक एक्सपेंडिचर को आज नहीं तो कल उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बनना ही है बट फर्क सिर्फ इतना ही है ये आपको पांच साल आपका पेट पालेगा तो ये थोड़ा थोड़ा करके कॉस्ट ऑफ द एसेट स्प्रेड ओवर द Useful life of asset. जितने साल आपको कमा के देगा उसमें आपको स्प्रेड करिए तो देखो सब मैच हो रहा है तो यह डेफिनेशन जो मैंने बोला मैचिंग प्रिंसिपल का एक्सपेंसेज आर टू बी मैच विथ कॉरस्पॉन्डिंग इनकम इस साल का जो रेवेन्यू है उससे सारे खर्चे को हम लोग मैच करके दिखाएंगे इस साल का जो रेवेन्यू है हम लोग उससे, लो उससे इस खर्चा को मैच करके दिखाएंगे सिंपल क्लियर? तो अगर मैं अभी कुछ नहीं करूं मैं डायरेक्टली आपको एक एग्जाम्पल देता हूं मैचिंग प्रिंसिपल का इफ आई गिव इन एन एग्जाम्पल ऑफ मैचिंग प्रिंसिपल राइट सिंपल है हमारा अकाउंटिंग पीरियड है जनवरी से दिसंबर 2021 ठीक है हमने परचेस किया है गुड्स Hundred pieces at the rate one thousand each. Sold goods seventy pieces at the rate two thousand each. Paid salaries for ten months at the rate 3000 per month purchase furniture rupees 20000 life 5 years. खाली नेट प्रॉफिट एस पर मैचिंग प्रिंसिपल इतना सा लिखा है तो हो जाएगा बड़ा आसान से कर लेंगे एकदम है ना तो सर अपन क्या करेंगे पढ़ लीजिए एक बार इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे आप स्टेटमेंट फॉर्म में भी बना सकते हैं पीएल भी बना सकते हैं डायरेक्टली बनेगा सर कोई जनरल नहीं कुछ नहीं मैं आपको बना के दिखाता हूं देखिए सबसे पहले रेवेन्यू मतलब सेल्स सत्तर इंटू दो हजार कितना आया लेस एक्सपेंसेस, लेकिन सर ये ऐसे लिखना ठीक नहीं होगा अपन लिखेंगे मैच्ड एक्सपेंसेस ठीक है मैचड एक्सपेंसेस खर्चा नहीं तो सबसे पहले अपन परचेजेस लेंगे लेकिन परचेज एडजस्टेड लेना होगा या सीओजीएस लेना होगा तो क्या करेंगे सर 100 में से 30 हटा दीजिए हाँ ना या ऐसे लिख लो सौ का दाम कितना है एक लाख और तीस का दाम कितना है हा? तीस जो लेफ्ट ओवर है उसको भी तो हजार में ही दिखाएंगे कॉस्ट पे तो परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है सत्तर हजार दूसरा सैलरीज तीन हजार इंटू दस लेकिन बाहर में छत्तीस हजार आएगा पूरे बारह महीने का है ना तो प्लस तीन हजार इंटू टू ऐड कर देंगे और फर्नीचर का डेप्रिसिएशन लेंगे कितना है जिंदगी पांच साल कितना है बोलो ये हमारा इस साल का प्रॉफिट है किसी को अगर मैचिंग प्रिंसिपल नहीं मालूम तो वो क्या करेगा तुम लोगों को मालूम है जो वो क्या करेगा वो सेल्स एक लाख चालीस अनाड़ी आदमी है परचेज एक लाख तीस हजार बीस हजार तो उसका आएगा दस हजार रुपया लॉस अगर मैचिंग प्रिंसिपल हमारे बीच नहीं रहता तो हमारा प्रॉफिट ये होता अगर नहीं होता तो वो तो खर्चा और इनकम देख रहा है उसको मालूम ही नहीं है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कैपिटल एक्सपेंडिचर है इसको मैचिंग टाइम के साथ करना इसको है साथ साथ इसको स्प्रेड करना है पांच साल में इसको एडजस्ट करना है उसको मालूम ही नहीं है इसका मैचिंग सेल्स वॉल्यूम के साथ हुआ इसका मैचिंग टाइम के साथ हुआ इसको स्प्रेड उसको इतना ज्ञान मालूम ही नहीं है तो उसके लिए प्रॉफिट तुम्हारा ये आएगा जो कि बिल्कुल गलत है ठीक है सर ये तो आप कल करवा दिए थे जबरदस्ती का आपका ड्रामा है ठीक है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल जिसको हम लोग प्रूडेंस बोलते हैं बोलता है वी कैन एंटिसिपेट फॉर फ्यूचर लॉसेस बट वी कैन नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर गेन्स लिखा है ना वी एंटिसिपेट फ्यूचर लॉसेस बट वी कैन नॉट

सपोज करिए सपोज करो मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एट ईयर एंड इज़ रुपीज तेरह सौ ठीक है अगर मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स ईयर एंड में अगर 1300 है तो क्या करेंगे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को हजार पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे कि तेरह सौ पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे हजार पे खरीदा हुआ है अपने उसको परचे करेंगे तो किस पे करेंगे हजार पे करेंगे कि तेरह सौ पे करेंगे हजार पे करने से प्रॉब्लम क्या होगा तीन सौ रुपया करके प्रॉफिट इसी साल आ जाएगा और फ्यूचर में हो सकता है कि मार्केट प्राइस वापस गिर जाए तो जब आप बेचने जा रहे हो, हो सकता है वो उतने में नहीं बिके तो एज अ रिजल्ट हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को हजार पे लेंगे किस पे लेंगे क्योंकि वी डू नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर गेंस हम लोग फ्यूचर गेंस को एंटिसिपेट नहीं करेंगे तो अगर क्लोजिंग स्टॉक को हजार पे लेंगे तो सेम आंसर जैसे अपन क्लोजिंग स्टॉक को तेरह सौ पे लेंगे जस्ट मैं करवाता हूं एक बार ओरली तुम लोग कुछ मत करना अगर अपन इसको 1300 लेते हैं तो ये 39,000 आएगा कितना आएगा ये? 39, तो ये हो जाएगा 61, वन और ये हो जाएगा तुम्हारा 39, तो 30,000 तो इस गुड्स का प्रॉफिट और 30 जो क्लोजिंग स्टॉक था उस तीन सौ करके नौ हजार तो देखो हमारा प्रॉफिट नौ हजार से बढ़ गया क्लोजिंग स्टॉक को अगर अपन मार्केट प्राइस पे दिखाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट है वो आज आ जाएगा एंड एज एज पर पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल इट इज नॉट सपोर्टेड दिस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट इज नॉट वैलिड तो अगर मार्केट प्राइस ज्यादा है हम लोग हमेशा कॉस्ट पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे कल का होने वाला प्रॉफिट को कल एंजॉय करेंगे आज नहीं आज क्यों दिखाएंगे भैया दिस इज द रीजन गुडविल इज नॉट शोन इन द बुक्स मीनिंग ऑफ गुडविल इज फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ देशन आज हम लोग अच्छे से आपको पढ़ाएंगे हमारा प्रचार होगा ऑटोमेटिकली इससे हम लोग फ्यूचर में कमाएंगे हमारा गुडविल है जिसको अपन रेपुटेशन के साथ जोड़ देते हैं ब्रांड नेम के साथ जोड़ देते हैं बट एक्चुअल में गुडविल का मतलब होता है फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ दर्गेनाइजेशन फ्यूचर एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट से प्लस टू में, में होगा सो दे मस्ट गुडविल उसमें एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट लिया जाता है एंड फिर उसको अपन नंबर ऑफ इज ऑफ परचेज के साथ मल्टीप्लाई करते मीनिंग है फ्यूचर प्रॉफिट बट वो पास्ट कर्मो पे डिपेंडेंट है हमारे पास में हमने जो एक्टिविटी की है उसके बेसिस पे हमारा फ्यूचर में प्रॉफिट होगा लेकिन वो अनरियलाइज्ड है ना अभी तक तो हुआ ही नहीं है होगा आप बोल रहे हैं तो कंजर्वेटिज्म उसके खिलाफ है इसीलिए अपन गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाते हैं राइट बट एक्चुअली पोजिशन ये नहीं है तो इसका आंसर क्या होगा सेम आंसर है ठीक है अभी केस टू लेते हैं सपोज मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एट ईयर एंड इस रुपीज नौ सो तो फ्यूचर में बेचेंगे तो हजार भी नहीं मिलेगा नौ सौ मिलेगा मतलब सौ सौ रुपया कम मिलेगा तो ये फ्यूचर में होने वाला लॉस है कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है इसको आज दिखाओ तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक को जब अपन कैरी फॉरवर्ड करेंगे हजार हमने दिया था बट उसकी वैल्यू आज की कितनी है तो 900 में कैरी फॉरवर्ड होगा तो ऑटोमेटिकली 30 पीस का सौ रुपया करके लॉस आ जाएगा तो देखिए अगर अपने इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं सेल्स हमारा वन है सीओ जी एस एक लाख परचेज माइनस थर्टी इंटू नौ सौ कितना हुआ सेवेंटी थ्री थाउजेंड आएगा सैलरी आएगा थर्टी सिक्स डिप्रिशिएशन आएगा चार कितना है नेट प्रॉफिट ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन पहले कितना था तीस ऑटोमेटिकली सीओजीएस देखो तीन हजार से बढ़ गया ना सीओजीएस आना चाहिए था सत्तर बट इट इंक्लूड्स सीओजीएस इंक्लूड्स लॉस ऑन क्लोजिंग स्टॉक तीस पीस का सौ रुपया करके लॉस हुआ है जो साफ यहां झलक रहा है तो फ्यूचर में होने वाला लॉस को आज दिखा दिए अब देखो हजार और तेरह सौ में लिया कितना कितना लिया हजार मतलब तुम लिया लोअर है ना हजार और नौ सौ में लिया कितना मतलब तुम लिया लोअर तो ऊपर वाला प्रिंसिपल में भी लोअर लिया नीचे वाला प्रिंसिपल में भी तुम लोअर लिया तो क्या मैं बोल सकता हूं एस पर कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल क्लोजिंग स्टॉक इज शोन एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर हाँ ना और यही बात हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू में लिखा है यही बात हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू में लिखा हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में डील करता है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी यही प्रिंसिपल्स आपको मिलेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी आपको यही सब प्रिंसिपल्स मिलेगा ऐसा नहीं है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ और लिखा हुआ रहेगा राइट इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आल्सो यू आर गोइंग टू गेट दिस प्रिंसिपल यही सब प्रिंसिपल से स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड standard मतलब एक सेट ऑफ रूल्स प्रेस्क्राइब कर दिया गया कि आपको यही सब फॉलो करना है गॉट माई पॉइंट एक सेट ऑफ रूल्स आपको डिफाइन कर दिया कि भाई दिस इज दी अकाउंटिंग पॉलिसी यू आर गोइंग टू फॉलो सो ये जो मैंने आपको बताया ये क्या है दिस इज अकाउंटिंग पॉलिसी एडॉप्टेड फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री यस और नो हां ये क्या है ये जो अपने एसेट का जो डेप्रीसिएशन दे रही है क्या है इसको बोलते अपन स्ट्रेट लाइन मेथड क्या बोलते हैं इसको स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन एसएलएम राइट दिस इज व्हाट काउंटिंग पॉलिसी फॉर फिक्सड एसेट्स गुडविल को बुक्स में नहीं दिखाना यह उसका अकाउंटिंग पॉलिसी है तो हर आइटम का अपना अपना एक प्रिंसिपल लगा के उसको वैल्यूएशन करना पड़ेगा सो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन इस तरीके से किया जाएगा यह अकाउंटिंग पॉलिसी हम लोग फॉलो करेंगे डेप्रीशिएशन इस तरीके से कैलकुलेट होगा और भी बहुत सारे मेथड्स हैं बट मैंने आपको एक मेथड बताया आई हैव डिस्कस्ड ओनली वन अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर फिक्स्ड एसेट हर आइटम का अपना अपना अकाउंटिंग पॉलिसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में प्रिस्क्राइब है तो अगर आपको कोई पूछेगा ए अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होता है कुछ नहीं प्रिंसिपल अकाउंटिंग प्रिंसिपल एडॉप्टेड फॉर वैल्यूएशन ऑफ आइटम एंड मेथड ऑफ अप्लाइंग दो प्रिंसिपल सिंपल ये जो मैं आपको रूल्स बता रहा हूं इस आइटम में ये इस आइटम ये सब क्या है? सब अकाउंटिंग पॉलिसी तो है तो आपको सारा अकाउंटिंग पॉलिसी याद रखना पड़ेगा कि किस आइटम में हम लोग कौन सा अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करते हैं डेप्रिशिएशन निकालते वक्त ये वाला अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो किया जा रहा है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन जब निकालेंगे तो ये वाला अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो किया जा रहा है राइट दीज आर वॉट दीज आर अकाउंटिंग पॉलिसीज़ तो अगर आपको कोई पूछा जाएगा कि अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होता है कुछ नहीं मैं आपको बताता हूं अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होता है स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल ही तो है ये मैंने कंजर्वेटिज्म से डिराइव किया है मेथड ऑफ अप्लाइंग दो प्रिंसिपल्स जैसे इन्वेंट्री में क्या मेथड लगाएंगे आप सर हम तो ये एज्यूम करेंगे जो पहले आया वो पहले बिका काफी फो. यस और नो क्योंकि आपको यह भी तो देखना पड़ेगा कि आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कौन से वाले परचेज से बचा हुआ है मेरे यहां पे गोडाउन में माल आया थोड़ा सा बेचा मैंने फिर मैंने और माल खरीद लिया उसी में मिल गया वो फिर और उसी में खरीद लिया यस और नो सो हाउ कैन यू डिटरमाइन कि ये कौन से वाले लॉट का माल है तो अपन कुछ कुछ मेथड्स फॉलो करते हैं अपने ये अज्यूम करेंगे कि जो पहले आया वो पहले ही बिक एक्चुअल में भगवान श्री कृष्ण भी नहीं बता पाएंगे कि कौन सा वाला माल बचा हुआ है अनलेस एन एंटिल उस प्रोडक्ट पे बैच नंबर हो लॉट नंबर हो तब जाके तुम पहचान पाओगे मैं कैसे पहचानूंगा कि इस क्लासरूम में पहले कौन आया सिंपल जो फर्स्ट बेंच में बैठा हो पहले आया तो मेरे को कैसे मालूम कि क्लोजिंग स्टॉक कहां से बचा हुआ है ट्राई टू अंडरस्टैंड अगर मैं असाइन कर देता जो क्लासरूम में फर्स्ट स्टूडेंट वो यहां बैठेगा सेकंड वाला यहां बैठेगा थर्ड वाला यहां बैठेगा फोर्थ वाला यहां बैठेगा तो ऑटोमेटिकली मालूम चल जाएगा कि कौन कब आया कौन किसके बाद आया वाइज तो इजीली हम डिटरमाइन कर सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक लेकिन अगर मान लो कुछ नहीं है हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो उस समय हमको प्रिंसिपल डेवलप पहले तो ये प्रिंसिपल बनाओ कि उसका वैल्यूएशन में लेना क्या है कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर दोनों में जो लोअर होगा वो लेंगे अभी मैंने बता दिया कंजर्वेटिज्म उसमें स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है मार्केट प्राइस कम है तो लोअर इसलिए क्योंकि लॉस दिखाना है मार्केट प्राइस ज्यादा है लोअर इसलिए क्योंकि प्रॉफिट नहीं दिखाना है अगर बोलता लॉस भी दिखाना है प्रॉफिट भी दिखाना है तब रूल क्या होता अगर मार्केट प्राइस नीचे है तो लोअर लो और अगर मार्केट प्राइस ऊपर है तो हायर लो और अगर ऐसा होता कि लॉस नहीं दिखाना है बट प्रॉफिट दिखाना है तो दोनों में हायर लेते डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है रूल क्या बनाया तो देखा मैंने मैंने बैठे बैठे कितना सारा रूल बना दिया लोअर लोअर हायर लोअर हायर हायर तो मैं तुम ये सब अपना अपना फॉलो करने लगा इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लाया गया टू ब्रिंग हार्मोनाइजेशन ऑल अस ये बोलता है जो पहले आया हम मानेंगे वो पहले बिका ये बोलेगी नहीं अभी का माल बिका पुराना अभी भी पड़ा हुआ है कोई बोलेगा नहीं मैं यह यहां से बेचा है, यहां से बेचा है, यहां से बेचा है। सो अलग अलग हो गया ना तो सरकार ने उसमें भी स्टैंडर्ड्स में लिख दिया कि भैया आपको यही पॉलिसी फॉलो करना पड़ेगा टू डिटरमाइन की क्लोजिंग स्टॉक कौन से वाले परचेज से है मैं साल में एक ही परचेस करता हूं तो दिक्कत ही नहीं है लेकिन इतनी पूंजी किसी के पास होती नहीं है पूरे साल का परचेस एक बार में कर लेंगे कहां से से है पूरे साल का EMI मैं कहां से दे दूंगा पॉसिबल ही नहीं है पूरे साल का बिजली बिल कहां से दूंगा पूरे साल भर का राशन कहां से खरीदेंगे तनखा हर महीने मिलेगी हर महीने खरीदा जाएगा तो आज खरीदूंगा बेचूंगा उससे जो रुपया आएगा फिर वापस से उसी समान उसी पैसे से खरीदूंगा तो हर परचेज अलग अलग होता है अगर आपने बैच नंबर लॉट वाइज अकाउंटिंग करके रखा है तो आपको इजीली मालूम पड़ जाएगा कहां से क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है अगर आपने कोई चिन्ह मार्क नहीं दिया है तो पॉसिबल ही नहीं आइडेंटिफाई करो तो उसी में मिल जाएगा तब अपने को एजम्स लेना पड़ता है तब अपना अकाउंटिंग पॉलिसी का रोल आएगा आप देख रहे हैं ना काफी सारा रहेपल्स हम लोग स्टडी कर चुके हैं। जिस आइटम में हम कुछ-कुछ के -कुछ के लिए लिए तो में कौन कौन सा अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो होगा ये एस टेन में लिखा है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी मैंने आपको बताई दिया जो ए एस टू में लिखा है वैसे ही इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग पॉलिसी ए एस थर्टीन में लिखा हुआ है सो so हर आइटम का अपना अपना अकाउंटिंग पॉलिसी होता है कल को आग लग जाए हमको इंश्योरेंस क्लेम मिला तो यह भी एक आइटम हो गया इसका ट्रीटमेंट हम लोग ए एस फाइव के हिसाब से करेंगे उसमें इसका ट्रीटमेंट प्रेस्क्राइब्ड है जो लोग कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है वो लोग को एक प्रोडक्ट कंप्लीट करने में तीन साल लग जाता है बिल्डिंग बनाने में तो क्या तीन साल तक वो लोग प्रॉफिट नहीं दिखाएगा दिखाएगा प्रोपोर्शनेट बेसिस पे दिखाएगा जितना काम खत्म हो गया जितना काम खत्म हो जाता है उसके बेसिस पे लोग एडवांस ले लेता है पार्टी से कभी अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट खरीदना तो समझ में आएगा तो पार्टी से पैसा मिल गया तो हम प्रपोशनेट बेसिस पे प्रॉफिट दिखाएंगे सेल ऑफ सर्विस वाला लोग अपना इनकम कैसे दिखाता है ये ए एस नाइन में सीखेगा तो हर एक एक आइटम का क्या क्या अकाउंटिंग पॉलिसी हमको फॉलो करना है कैसे उसका ट्रीटमेंट होगा ये सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में है आपको अपने हिसाब से नहीं करना टाइम टू टाइम मैं आपको बताता रहूंगा तो अभी तक जैसे मैंने आपको सिंपल बताया क्लोजिंग स्टॉक में हम लोग ये अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करते हैं फिक्स्ड एसेट में हम लोग एस है डीबीएम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी है डिपेंड करता है आपको क्या फॉलो करना है क्लियर इज दैट फाइन एवरी वन पक्का हंड्रेड परसेंट चलो अभी हम लोग को बात करना है बेसिस वर्सेस कैश बेसिस आज अगर मैं चाहूं मैं प्रोफेशनल हूं मैं चाहूं तो मैं कैश बेसिस कर सकता हूं सिंपल चीज समझना डॉक्टर्स उधार का धंधा नहीं करते हैं लॉयर्स, प्रोफेशनल्स ये लोग सब कैश बेसिस अकाउंटिंग फॉलो करते हैं लेकिन बिजनेसमैन ये लोग एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता है बिजनेसमैन वाला लोग एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करेगा दोनों में फर्क क्या मैं आपको बताता हूं सपोज करिए Fees Income for the year Rupees three lakh. क्या खा रहे हमको भी खिला भाई कब से खाए जा रहा है क्या है बैग में ऐसा आउट ऑफ रिच थर्टी थाउजेंड इज आउटस्टैंडिंग फीस इनकम फॉर द ईयर तीन लाख जिसमें से तीस हजार अभी भी मिलना बाकी है आउटस्टैंडिंग मतलब पैसा मिला नहीं है एक्सपेंसेस पेड रूपीज वन लैख ठीक है एक्सपेंसेस येट टू बी पेड रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड एकदम सिंपल है डेप्रीशिएशन आप दोनों में दिखा सकते हैं अब आप बोलेंगे सर डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश होता है बेसिस कैश बेसिस खाली रेवेन्यू आइटम्स पे अप्लाई होता है किस पे रेवेन्यू आइटम्स एक्सपेंस इनकम डेप्रीशियशन अपन एसेट का देते हैं अच्छा यहां पे मैंने एक्सपेंस में दो चीज बताया ना आपको याद रखिएगा मैंने आपको एक्सपेंस में बताया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर बट जब मैं अपने मुंह से लिटरली जब मैं एक्सपेंस की बात करूंगा ज टू बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैं जब भी एक्सपेंडिचर की बात करूंगा इट हैजू बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वेन एवर आई टॉक अबाउट एक्सपेंस मेरा मुंह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही समझना कैपिटल एक्सपेंडिचर का हमेशा मैं एसेट के नाम से बुलाऊंगा ठीक है लिटरल मीनिंग में एक्सपेंडिचर मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ठीक है सो so, कहने का मतलब क्या है ये खाली रेवेन्यू आइटम्स ये खाली एक्सपेंसिस एंड इनकम के लिए अपन डेप्रिशिएशन एसेट का देते हैं फिक्स एसेट का वो अक्रूवल बेसिस हो चाहे कैश बेसिस हो दोनों में आप क्लेम कर सकते हैं पहला बात तो डॉक्टर लॉयर प्रोफेशन उधार का धंधा करते ही नहीं है लिए, इनके लिए अप्रूवल बेसिस है ही नहीं क्योंकि अप्रूवल बेसिस मतलब डबल एंट्री बुक कीपिंग लेजर ट्रायल बैलेंस आउटस्टैंडिंग प्रीपेड डेटर क्रेडिटर ये वो ना तना सब कैश बेसिस मतलब खाली कैश अकाउंट से ही प्रॉफिट आ जाएगा हमारा खाली कैश अकाउंट बनाएंगे हम एंड पेमेंट अकाउंट क्या क्या आया क्या क्या गया नेट वही हमारा सरप्लस है भैया झमेला ही नहीं है हमको समझ में नहीं आता आउटस्टैंडिंग क्या प्रीपेड क्या है तो अगर बिजनेसमैन होगा तो वो लोग एक्रूअल बेसिस फॉलो करेगा अगर प्रोफेशनल्स होगा सर्विस प्रोवाइडिंग जो लोग करते हैं सर अगर ये लोग डॉक्टर लॉयर प्रोफेशनल्स ये लोग चाहें तो क्या ये लोग एक्रूअल नहीं फॉलो कर सकते कर सकता है आज मैं एक्रूअल बेसिस फॉलो करता हूं राइट right? तो इनकम फॉर द ईयर थ्री लैख आउट ऑफ विच थर्टी थाउजेंड इज आउटस्टैंडिंग तो सॉल्यूशन पहले हम लोग एस पर अक्रूवल बेसिस करेंगे तो इनकम कितना माना जाएगा भले ही मिला हो चाहे नहीं मिला हो तीन लाख टोटल इनकम अर्न्ड देखेंगे अर्न्ड अर्न्ड का मतलब यह नहीं होता पैसा मिल गया हो

पेड और पेबल इट तो पेड वाला भी लेना है ये भी हमारा बेनिफिट डिराइव्ड है चीज समझो और येट टू बी पेड भी हमारा बेनिफिट डिराइव्ड है तो टोटल बेनिफिट डिराइव्ड हो गया एक लाख बीस बैलेंस शीट में ये फीस रिसीवेबल बोल के जाएगा और ये आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी बोल के जाएगा ज दैट फाइन एवरी यहीं पर अगर मैं कैश बेसिस का बात करूं मैं सीधा बोलूंगा इनकम रिसीव्ड बताओ भैया अर्ड नहीं तो तीन लाख का इनकम है तीस हजार हटा दो क्या मिला आपको ये बोलिए दो लाख सत्तर जो मिला वही इनकम लेस पेड कितना जो पे किया आउटस्टैंडिंग नहीं लेना तो यहाँ पे ये यह हमारा नेट प्रॉफिट यहां पे ये यह हमारा नेट प्रॉफिट so if I am following cash basis there is no such concept of outstanding, prepaid, accrued, pre-received कुछ नहीं And हर जगह आप लोग देखेंगे कहीं ना कहीं अकाउंटिंग पीरियड मस्ट है यू आर एंडिंग योर बुक्स हिस्टर तभी ना बोल रहे हैं आज के दिन ये आउटस्टैंडिंग है ये प्रीपेड है अगर महीनों भर महीनों सेम बुक्स कंटिन्यू हो रहा है तो क्या आप बता पाएंगे क्या आउटस्टैंडिंग है क्या प्रीपेड है सो अक्रूवल मैचिंग एंड अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट अक्रूवल मैचिंग अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट ये सब कहीं ना कहीं पीएल रिलेटेड है और कहीं ना कहीं तीनों मोटा मोटी सेम भाषा बोलता है मीनिंग अलग अलग है बट अगर ये तीन नहीं होता तो तुम पीएल भी नहीं बना पाता दिमाग में डाल लो अकाउंटिंग पीरियड ही फिक्स नहीं करेगा तो पीएल कहां से बनेगा मैचिंग नहीं होगा तो तुमको दिखाया दस हजार लॉस आएगा और अक्रूवल कैश अगर नहीं होगा अगर अक्रूवल है तो मैचिंग भी है कैश में क्या मैचिंग करेगा जो मिला जो पे किया खत्म सिंपल फंडा है इज एट फाइन एवरी वन तो मोटा मोटी हम लोग का यही सब प्रिंसिपल है और भी है बट इतना करने से हम लोगों को एक बार तो आ जाएगा ठीक है अब देखो हम लोग आपको पीएल का थोड़ा एनालिसिस बता देते हैं यह हमारा पीएल है हा यह टोटल हमारा सेल्स हो गया इस सेल्स में से हमारा परचेज एडजस्टेड या सीओजीएस बोल दीजिए तो ये वाला पोर्शन क्या है बोलिए इसको क्या बोलते हैं अपन ग्रॉस प्रॉफिट क्या बोलेंगे इसको अपन ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग जो पीएल बनाते हैं वो दो हिस्सों में बनता है एक्सपेंस को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं एक होता है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब गुड्स रिलेटेड जो खर्चा है और एक हो गया हमारा इनडायरेक्ट खर्चा जैसे ऑफिस रिलेटेड सेल्स रिलेटेड अगर कोई खर्चा है तो तो सेल्स माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस गिव्स मी ग्रॉस प्रॉफिट क्या सेल्स माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और सीओजीएस दिस गिव्स मी ग्रॉस प्रॉफिट अब इस ग्रॉस प्रॉफिट में मतलब माल बेचने का जो डिफरेंस है बाइंग एंड सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है उसको ग्रॉस प्रॉफिट बोला जाता है अभी हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट से सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करेंगे सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोग माइनस करेंगे ठीक है जैसे हो गया हमारा सैलरीज एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क रिलेटेड ऑफिस में एक स्टाफ है जगह का भाड़ा इलेक्ट्रिसिटी बिल डेप्रिसिएशन ये सब हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस का कैटेगरी में आएगा राइट। right. उसके बाद हम लगाएंगे कंजर्वेटिज्म। थोड़ा सा प्रॉफिट हमको कंजर्वेटिज्म के लिए रखना पड़ेगा थोड़ा सा प्रॉफिट हमको कंजर्वेटिज्म के लिए रखना पड़ेगा जैसे कोई भी तरह का प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस प्रोविजन फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस एक कंजरवेटिव तो सीओजीएस तो में एडजस्ट हो गया क्लोजिंग स्टॉक वाला अगर कोई तुमको बोलेगा ना कंजर्वेटिज्म का दो एग्जाम्पल दो तो एक तो लिखना क्लोजिंग स्टॉक एंड दूसरा लिखना प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स तो आप जो भी कमा रहे हैं उससे फ्यूचर का सोचेंगे ना हम लोग सेविंग करते हैं अपनी कमाई से अगर मेरी पचास हजार रुपए तनख्वाह है तो हम लोग क्या करते हैं पीपीएफ खोलते हैं फिक्स डिपॉजिट बनाते हैं म्यूचुअल फंड में सेव करते हैं राइट तो यू प्लान फॉर योर फ्यूचर एक्सपेंसेज तो बिजनेस में भी काफी सारा ऐसा खर्चा होता है जो हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं उसका रिलायबल एस्टिमेट भी बना पा रहे हैं तब जाके प्रोविजन बनाएंगे ऐसे प्रोविजन नहीं बनता तुमको क्या लगता है प्रोविजन ऐसी बन जाता है कल को हम बीमार हो सकते हैं अरे तुम्हारा कोई चिकित्सा हुआ हो कोई रिपोर्ट कराया हो उसमें तुमको कोई बीमारी पकड़ में आया हो तो समझ में आएगा एविडेंस होना चाहिए कोई दिन दाड़े कोई प्लानिंग नहीं होता मूवीज वगैरह में दिखाया है मां की आंखों का इलाज एक पर्पस होता है बहन की शादी बहन की पढ़ाई ऐसे करके एक पर्पस होता है बिना पर्पस के उसको अपने बोलते हैं जनरल प्रोविजन जनरल रिजर्व में डालते हैं ना अपने प्रॉफिट को वो भी है लेकिन वो बहुत लोग नहीं बनाते हैं लोग अलग अलग प्रोविजन क्रिएट करके रखे तो फ्यूचर एक्सपेंस का आपको प्रोविजन क्रिएट करके रखना पड़ेगा तब जाके हमारा आएगा नेट प्रॉफिट तो कस्टमर से जो पैसा मिलेगा उसमें से पहले जो परचेस करने का जो दाम दिया वो माइनस हो जाएगा बचावा को बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट उसमें से हमारा जो अदर एक्सपेंसेस है वो सब जाएगा फ्यूचर का प्लानिंग करेंगे हा उसके बाद जो बचेगा अच्छा इसमें भी एक तो प्लानिंग हो चुका है डेप्रिशिएशन का आज यह तो बात सही है कि डेप्रीशिएशन मतलब एक्सपायर्ड बेनिफिट मैचिंग करना है उस एसेट से हम पांच साल कमाएंगे तो उस एसेट का खर्चा को हमको पांच साल तोड़ तोड़ के दिखाना है यह बात तो समझ में आया इसलिए चार हजार रुपए अपन प्रॉफिट के साथ में मैच कर रहे हैं रेवेन्यू के साथ में मैच कर रहे माइनस कर रहे हैं लेकिन डेप्रीशिएशन देने का एक और मकसद है आज शुरू में तुम बीस हजार का एसेट देके पैसा देके खरीद लिया हर साल जो तुम प्रॉफिट कम कर रहा है देखो सेल्स हमारा सौ रुपया परचेज हमारा पचास रुपया तो ये सौ रुपया आया एक्चुअली ये पचास रुपया एक्चुअली जाएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा फिफ्टी इस फिफ्टी में से दो रुपये सैलरी एक्चुअली जाएगा तीन रुपया रेंट एक्चुअली जाएगा रुपए डेप्रीशिएशन तो एक्चुअली जाएगा नहीं प्रॉफिट को तुम कम कर रहे हो बट इज डायरेक्ट आउट कैश आउटफ्लो नो सो इस इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हमारा डेप्रीशिएशन भी होता है तुमने प्रॉफिट को कम किया झूठ मत बोलो देखो ग्रॉस प्रॉफिट में इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डेप्रीशिएशन है हा है ना तो तुमने प्रॉफिट को कम किया बट एक्चुअली क्या तुम्हारा कैश आउटफ्लो हुआ तो कई बार तुम घर में जब नेट प्रॉफिट लेके जाओगे ना और मान लो तुम चार्टेड अकाउंटेंट से शादी किए हो और वो चार्टेड अकाउंटेंट यहां से पढ़ के गया है तो उसको ये चीज मालूम होगा उसको ये चीज मालूम होगा वो तुमसे जाते ही मांगेगी ये तो हुआ नेट प्रॉफिट प्रोविजन का पैसा कहां है ये भी तो नॉन कैश ही है तो तुम प्रोविजन का उसको पांच रुपया दे दिया जो तुम बनाया था अब वो तुमको पूछे कि डेप्रीसिएशन का पैसा कहां है क्योंकि उसको भी मालूम है ये नॉन कैश है और उसको भी मालूम है तुम खर्चा कर दोगे है ना सो आज अपन जो डेप्रीशिएशन दे रहे हैं हर साल प्रॉफिट कम कर रहे बट देर इज नो कैश आउटफ्लो तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आई कैन इजीली से Providing depreciation year on year will lead to generation of funds for replacement of. सेट आफ्टर इट्स यूजफुल लाइफ वो पे किया अब वापस से जब खरीदना रहेगा उसका पैसा कहां से आएगा मान ले से फॉर एग्जाम्पल तुम हमसे कर्जा लेके खरीद लिया अब तुम्हारा बहुत मुश्किल से गाड़ी चल रहा है कमा रहा है खा रहा है कमा रहा है खा रहा है सम तुमको बीस हजार गिफ्ट कर दिया या तुम मान लो घर से रकम लगाया अपना बिजनेस में कैपिटल लगाया हर साल जो तुम कमाया उसको उड़ा दिया कमाया उड़ा दिया कमाया उड़ा दिया कमाया उड़ा दिया कमाया उड़ा दिया पांच साल बाद क्या करेगा कैपिटल तो जो था वो फिक्स्ड एसेट में लगा दिया डेप्रिसिएशन तुम दिया नहीं तुमको मालूम ही नहीं था ये सब तुम पूरा कैश प्रॉफिट खा गया कैश प्रॉफिट खा गया समझा ये तो एक बेसिस वाला प्रॉफिट है ना तुम कैश अकाउंट वाला प्रॉफिट पूरा खा गया कैश अकाउंट देखा कैश अकाउंट में जो नेट बच रहा है वो खा गया तुम पुचका वाला हा? नीचे ठेला में खाएगा तीस का पांच या छह आदमी भड़ गया होगा बीस का छह भी देता है बहुत जन मॉल में जाके खाओ वही पुचका सौ रुपया का हो जाता है उसका प्राइसिंग में बहुत सारा चीज है लेकिन ठेला वाला का प्राइसिंग में बहुत सारा चीज नहीं है वो खाली रॉ मेटेरियल जोड़ा अपना प्रॉफिट जोड़ के तुमको बोल दिया बीस का पांच यही चीज मॉल में जाएगा बीस का सौ डेढ़ सौ दो सौ लेगा उसका खर्चा उतना है या ना सो so, डेप्रिशिएशन जो तुम देते हो इट विल लीड टू जनरेशन ऑफ फंड रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट आफ्टर यूजफुल लाइफ टू वंस यू इन्वेस्ट कैपिटल एवरी ईयर डेप्रीशिएशन दो डेप्रीशिएशन देने से तुम्हारा प्रॉफिट कम होगा अंदर ही अंदर एक सेविंग्स जेनरेट होगा अल्टीमेटली अपने खाएंगे तो नेट प्रॉफिट ही ना डेप्रीशन माइनस करने के बाद वाला प्रॉफिट खाएंगे अगर तुम डेप्रीशियशन ही नहीं दिया इसका मतलब तुम पूरा खा गया कैश वाला प्रॉफिट खा गया तो अगर तुम कैश वाला प्रॉफिट खा गया तो पांच साल बाद तुम एसेट खरीदने का औकात में ही नहीं रहेगा कमाएगा का? अभी तो कम से कम औकात में तो है तो डेप्रीशिएशन देने से अंदर ही अंदर हमारा सेविंग हो रहा है अंदर ही अंदर हमारा बिजनेस में सेविंग हो रहा है तो एक प्लानिंग तो हम ऐसा कर रहे हैं जिससे कि मेरा लॉन्ग टर्म पर्पज सर्व हो जाए ये लॉन्ग टर्म पर्पज है मेरा एक छोटा मोटा नहीं आज से पांच साल बाद आज नहीं आज से पांच साल बाद का प्लानिंग अभी से स्टार्ट कर दिया और एक है ये आने वाला एक साल या दो साल में इस चीज का दरकार पड़ेगा तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी हो गया लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी हो गया तो हम लोग जो नेट प्रॉफिट निकालते हैं उसमें कंजर्वेटिज्म तो है ही साथ में फ्यूचर प्लानिंग भी इन्वॉल्व है सो so, डेप्रिशिएशन देने का सबसे बड़ा मकसद यह नहीं कि वो हमको इस साल इनकम कमाने में मदद किया इसीलिए उसका कॉस्ट को स्प्रेड करके उसका खर्चा का हिस्सा को इस साल डालो जिससे कि प्रॉफिट ठीक आए तुम्हारा बात सही है लेकिन अगर मैं दूसरे एंगल से सोचूं डेप्रीशियशन देना फायदेमंद है आज तो एसेट से कमा रहे हैं कल कमाएंगे पांच साल तक कमाएंगे छठा साल में क्या करेंगे सो so, देने से इट लीड्स टू जनरेशन ऑफ ऑफ फॉर रिप्लेसमेंट एसेट साल बाद जब एसेट का दरकार पड़ेगा अंदर बहुत लोग क्या करते हैं डेप्रिशिएशन प्रोवाइड करते हैं चार हजार उस पैसे को बाहर इन्वेस्ट कर देते हैं उसको अपन सिंकिंग फंड बोलते हैं डेप्रीशिएशन का फंड एक तो पैसा बिजनेस में है तुम खाली प्रॉफिट कम किया कैश बिजनेस में तो रिस्क है ना बीवी मांग लेगी उसको मालूम है वो डेप्रिशन का पैसा मांग लेगी या पैसा तुम्हारा खर्चा हो जाएगा या मान लो ऐसा चीज हुआ सडनली कोई सस्ता में माल दे रहा था तुम उससे पूरा बल्क में माल उठा लिया तो पैसा वहां फंस जाएगा तो बिजनेस में अगर पैसा रखा रहेगा तो कहीं ना कहीं फंस जाएगा भैया इसीलिए हम लोग इस पैसे को बाहर इन्वेस्ट भी करते हैं कई बार उसको बोलते हैं सिंकिंग फंड मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट जिस चीज के लिए आपने फंड बनाया है बिजनेस बिजनेस रहेगा तो वो में ब्लॉक भी हो सकता है इसीलिए हम लोग उसको बाहर इन्वेस्ट भी करते हैं राइट right? सो so, काफी सारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हम लोगों का क्लियर हो गया है राइट सो फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर चीजों को करेंगे एंड चीज आसान होती जाएगी अब हमारे लिए हैविंग डन दिस कॉन्सेप्ट नाउ इट विल बी ईजियर फॉर अस टू मूव अ हेट राइट ये तीन क्लास हमारे लिए बहुत एक आइस ब्रेकर था एंड इसके इसी में हम लोग जो सीखा है इसी से हम लोग आगे अपने आप को बढ़ाएंगे प्रैक्टिकली स्पीकिंग अकाउंटिंग का सिलेबस खत्म हो गया है अब इसमें कुछ बचा नहीं है जो भी कॉन्सेप्ट हमको आपको बताना था हमने आपको बता दिया है अब हो सकता है कुछ कुछ कॉन्सेप्ट ऐड हो जाएंगे कुछ कुछ एक दो ट्रीटमेंट नया ऐड हो जाएगा बस इतना ही है इसी को बेस करके हम लोग पूरा आगे अपना स्टडी को बनाएंगे ठीक है